रेफरेंस किया जाता है। ऐसा यूँ क्योंकि वो रिग ख़राब ना हो जाए, और रिग में स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, बाज़ औक़ात मैल भी होता है, तो वो प्रॉपर फंक्शनल हो सके, इसलिए। ऑल राइट, दैट इज़ आर वेंडोलिन। ऑल्ट बी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लाइटर मोड हो जाए। ऑल्ट बी हाँ, ऑल्ट बी। देखो, रिग डिफरेंट डिफरेंट रिग में पढ़ाने का मकसद ये होता है कि आपको रिग्स को कंट्रोल करना आ जाए। अब जैसे ये है, इसके अपने कंट्रोलर्स हैं, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। और ये भी कंट्रोलर है, ये भी है, और ये भी है। लेकिन अगर हम इन तीनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो इसमें कर्व आएगा। ऊपर वाले को सेलेक्ट करके नहीं, सिर्फ ये तीन। मैं तीनों को एक साथ किया। एग्जैक्टली। और अब इनको आप रोटेट करके देखें तो आपके पास एक अच्छा कर्व होगा। अगर आप मूवमेंट चाह रहे हो तो आप मास्टर से भी मूव कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी पे है। तो हम राइट व्यू में जा रहे हैं और इनकी रोटेशन हमने छेड़ दी है होपफुली, तो हम ज़ीरो कर रहे हैं। ये ग्राफ एडिटर है, ये आपका चैनल बॉक्स है। थैंक यू सो मच सर्वसिंह। नहीं यार, रिस्पेक्ट है बिल्कुल। चलो, एनिमेशन को समझते हैं थोड़ा सा, और फ्लेक्सनेस एनिमेशन में एक सॉफ्ट बॉडी मूवमेंट करते हैं इसमें। आप इस पे फोकस करेंगे तो आपका बॉल भी क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। और अगर हम जाएं गूगल पे और हम लिखें पेंडुलम एनिमेशन रेफरेंस, तो हमारे पास, सॉरी, इमेजेस ये आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे वाले पढ़ रहे हैं, हम ये वाला पढ़ रहे हैं जिनकी ट्यूटोरियल देखने की तो नीड नहीं है, रेफरेंस देखने की बहुत नीड है। एक्चुअली ये मूवमेंट कर रहा है, लाइक यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है, यूँ आ रहा है। या ये वैसे मुझे समझ में नहीं आया, ये ये वाला, पिक्चर जो बनी हुई है। ये पिक्चर जो बनी हुई है, ओके। आप इसको पता है कैसे समझो कि ये एक जगह खड़ा हुआ है, ये सारे एक जगह पर है। तो देखो, ये एक यहाँ से टर्न होके फिर वहाँ की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ की तरफ जा रहा है, फिर उल्टा पुल्टा हो रहा है। यानी कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ये चीज़ ना। एग्जैक्टली, जैसे ये समझ रहे हो, ये बिल्कुल सीधा ये सीधा तो जा बिल्कुल रहा है। सीधा सीधा है, अब उसमें स्ट्रेट। क्या है कि एक हाथ की मूवमेंट है, आपका जैसे हाथ होता है ऐसे आर्म फील होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने इन तीनों को लिया, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हमें कितने फ्रेम्स लेने, ये आज आपकी कंट्रोल पे डिपेंड कर रहा है। लास्ट सेशन में तो हमने रेफरेंस लिया था, आज नो रेफरेंस। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 50 फ्रेम्स से, मैक्स हमारे पास 50 फ्रेम होंगे। अब देखो क्या होता है, बिगनर लेवल पे बहुत प्रॉब्लम होता है कि भाई कितने फ्रेम का गैप रखा जाए, कैसा रखा जाए, क्यों। तो उसको कॉन्कर करने का इजीएस्ट वे, तीनों को लिया, ऑब्वियस एनिमेशन किसी एक जगह से स्टार्ट होगी, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया। वैल्यूज को राउंड रखो, -52 या -50, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वैल्यूज के साथ यानी खेला जाता है। हाँ, सब में एनिमेशन कहीं भी हो, वैल्यूज का ही काम है सारा, और उसकी अच्छी प्लेसमेंट, अच्छे मूवमेंट, अच्छी एडजस्टमेंट का, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है एनिमेशन में। तो हमने इस वक्त, आप देख रहे हो, इनके ये तीनों कंट्रोलर में सिर्फ रोटेट ही आ रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब हम आराम से राइट क्लिक करके तो की सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज हम आराम से एस प्रेस करके की ऑल कर देंगे। देख रहे हो, रेड हो गया ये एस। एस से क्या होता है, की ऑल। की ऑल मतलब जो जो उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे उन सब पे की लग जाएगी।
जैसे कि मैं समझाता हूँ ये बात, परेशान ना हो, हम क्रिएट कर लेते हैं, वेयर इज अ क्रिएट मेन्यू, क्रिएट पॉलीगॉन स्फेयर, ठीक है। अभी इन स्फेयर को देखो, यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अगर इस वक्त एस प्रेस करेंगे ना ये सारे रेड हो गए, तो वो एक ही एक्टिवेट होगा। लेकिन ये एस जब करते हैं, जब आपको पता हो कि यार आपने इन सारे एट्रीब्यूट्स को यूज भी करना है, वरना एस नहीं, ठीक है। तो एस क्या करता है, जो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उन सब पे की लगा देता है वो, ठीक। तो हमने इनको डिलीट किया और वापस राइट व्यू में गए, इन तीनों को सिलेक्ट किया और हम आ गए यहाँ पर वन फ्रेम पे, हमने लगा दिया। अभी अपने ईज के लिए ना आप 8 फ्रेम रख लो, बिल्कुल हाँ, और आप इनको इस तरफ ले आओ। और कितना, वहाँ 50 रखा था तो यहाँ थोड़ा सा फोर्स में आएगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा आगे, 50 से आगे जा सकता है, मैक्सिमम। तो हम 60 अगर ट्राई करें तो ये ज़्यादा हो रहा है, 55, ठीक है। अभी 8 से 16, मैं अब 8 8 फ्रेम का गैप रख रहा हूँ, मैं कम कर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं बिल्कुल बिगनर हूँ, मुझे फ्रेम्स का तो अच्छा आइडिया ही नहीं है। मैंने बॉल जो बनाई थी वो पिक्चर से देख के बनाई थी, तो 16 फ्रेम। अब जब 55 यहाँ आया, 50 से चला था, तो अब इस बार इनकी फोर्स कम हो रही होगी, हाँ, अब तो हर तरफ कम होगी। तो हमने इनको कहा -43 सपोज। एक काम कर लेते हैं छोटा सा, हम चलते हैं ज़रा पर्सपेक्टिव में और यहाँ से प्रेफरेंसेस में चलते हैं। मेक श्योर हमने एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले ये देखना था जो कि हुआ हुआ है फॉर श्योर। यूआई एलिमेंट, ये ऑटो की लगी हुई है और ये स्पैन्स बने हुए हैं आपके, ऑटो स्पैन लेगेसी हुआ हुआ है, नॉन वेटेड टेंजेंट्स है। और अभी 2 मिनट के लिए यूआई एलिमेंट्स खोल रहे हैं और स्टेटस लाइन खोल लेते हैं, लम्हे के लिए सेफ करते हैं, और यहाँ मॉडलिंग की जगह चलते हैं एनिमेशन में। क्यों भाई एनिमेशन में क्यों गए, हमने इन तीनों को सिलेक्ट किया डिस्प्ले। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि इन लोगों ने इस बार ये कहाँ रखा है, तो 1 मिनट दो मुझे, प्लेबैक नहीं, हाँ ये यहाँ पर है, इस बार विजुअलाइज में गोस्ट सिलेक्टेड या अनगोस्ट ऑल या अनगोस्ट सिलेक्टेड अनगोस्ट ऑल, ये गोस्टिंग है क्या, ये भूत है, हमने कहा गोस्ट सिलेक्टेड। अब यहाँ पे भूत आने वाले हैं हमारी लैब में, कुछ गोस्ट आ सकते हैं तो डरना नहीं, हाँ डरना नहीं, हाँ आई एम हियर विद यू, यू लाइक गोस्ट, यू लाइक गोस्ट, मुझे भी, मैंने घर पे एक रखी भी है। ओके, गो सिलेक्टेड करते हैं, और इनसे क्या हुआ, अब हमें दिख रहे हैं कि इनके कुछ फ्रेम्स दिख रहे हैं। अच्छा ये चीज क्या, एग्जैक्टली ये होती है गोस्टिंग। लेकिन क्या इतनी सी गोस्टिंग के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, लेट्स ट्राई अनदर थिंग। गो सिलेक्टेड, ओपन गोस्टिंग एडिटर, यहाँ पे ये एडिटर है, लेकिन ये इसकी हमें अभी कोई खास ऐसी नीड नहीं है, ये कुछ आगे की बात है। लेकिन यहाँ देख रहे हो आप, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड्स, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कितने कहाँ पे ये की जा चुकी है। हमने पहले फ्रेम पे, 8वें पे आठवें, और मतलब वही 16, बात कर रहा हूँ मैं, हाँ हमने 3 फ्रेम लगाए, ठीक हाँ है, और इसमें हमें वो कर रहा है ना, शो कर रहा है कितने फ्रेम वो आएंगे, वो ये शो कर रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जा कहाँ रहा तक है। जाएगा, तो बता या फ्रेम्स।
10 सेकंड्स करेंगे तो हमें 10 सेकंड्स में सिर्फ ये दो ही दिख रहे हैं, तो आप अपने मुनासिब हिसाब से देख सकोगे। लाइक 4 सेकंड्स इज काइंड ऑफ बैड, 8 सेकंड, 8 सेकंड नहीं है, 5 सेकंड है, या कस्टम कर लो आप। और कस्टम में फ्रेम स्टेप्स है, मैंने कहा कि मुझे 20 फ्रेम्स का दिखाओ तो वो 20 फ्रेम का दिखाना शुरू करेगा, लेकिन हमें कस्टम पे जाना नहीं है, हम 4 सेकंड्स रखते हैं, बहुत है ये हमारे लिए। और इन्हें भी साइड पे रख ही लेते हैं, ये भी काम ही आएगा, और ऐसे कर लेते हैं। अब हमें क्या हो रहा है, इससे गोस्ट से हमें पता चल रहा है कि भाई ये यहाँ तक जा रहे हैं, तो अब ये इस बार यहाँ पर आए तो अच्छी बात है, मीन्स यहाँ पे देख रहे हो ये ऐसे गए, और इस वाले पे जब पहुँचे तो ये यहाँ से आए थे, इस मतलब वो वाले भी पे जब मूव होता पहुँचे, रहेगा हाँ सारा। हाँ वो अपडेट होता रहेगा। तो ये 8 फ्रेम पे, सॉरी 16 फ्रेम पे, ये कुछ इस वैल्यूज पे पड़ा हुआ है, 43 पे, और हमने 16 के बाद फिर और 8 ऐड किए, दैट मीन्स 24 आई गेस, और हमने कहा प्लस में जाएगा 40। मेक श्योर पिछली वाली की पे कितना था, 55 था, तो इस बार 40 पे आया है, ओके। अब फिर अब 8 फ्रेम में देखो, 4 8 फ्रेम के बन चुके हैं, और अगर इनको प्ले करो तो ये ऐसे चलेगा, चल रहा है। अब इनके बाद हम रैंडमली डिक्रीज करना शुरू करेंगे, सपोज इंस्टीड ऑफ 8 वी आर गोइंग विद 6, तो अब हमने कहा 24 के बाद 6 30, और हमने कहा लास्ट टाइम ये -43 पे थे आई गेस, तो अब -38 या 35, और फिर 36 नहीं 35 फ्रेम, अब 1 फ्रेम और कम कर दिया मैंने आगे की मूवमेंट में, और फिर हमने कहा 30, हाँ करते जाओ ताकि इजी होता जाए आपके लिए आगे जाके, और 35 माइनस है तो 30 35 ट्राई करते हैं, तो ये सेम वैल्यूज पे है, सो लेट्स गो विथ 30, और 30 भी नहीं 35 बेहतर हो गया। तो देखो ये यहाँ से यूँ ऐसे, और अब 35 फ्रेम से हम 4 फ्रेम कर देंगे या 5 फ्रेम कर लेते हैं, एक दो का और बढ़ा लेते हैं, तो 40 फ्रेम पे ना 5 कर लिया, तो 35 से 40, और मेक श्योर आपको वैल्यूज याद होने चाहिए, -35 तो -20 नहीं ये तो था ऑलरेडी, तो -15 सॉरी -15 ये कितना था 35, तो 15 नहीं हो सकता सॉरी -25, अब फिर से 5 फ्रेम, और हमने कहा आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए 25, सो 20, अब देख रहे हो थोड़े फ्रेम्स की नीड है, हमने एक्सटेंड कर लिया 50 से 80, और यहाँ से हमने स्लाइडर स्लाइड कर लिया ताकि हमारे पास अनवांटेड मैस ना हो जाए, आप छोटा भी कर सकते थे ऐसे करके, लेकिन बहुत सारा हो जाता, तो इस वक्त हमने ऐसे कर लिया। यहाँ पे भी एक फ्रेम की नीड होती है। हाँ एग्जैक्टली, तो 40 पे हमारी वैल्यूज -25, 45 पे 20, और अब 49, तो हमने कहा इनको -12, 49 के बाद 53, 10, 3 फ्रेम पे आ गया हूँ, 56 एंड -6, अब इसके बाद 2 पे लेके जाऊंगा, और 5, अब 2 फ्रेम, और हमने कहा 3, -3 सॉरी, आई वाज सपोज टू 2 सॉरी 2 ये जो आपने पीछे वाले 2 पे किया, मतलब जाहिर सी बात है जितनी वो कम होगी दोनों साइडों से वो कम होती रहेगी।
एक करेंगे ना, देखो ये दो फ्रेम हो गए, ये दो फ्रेम हो गए, उस तरफ के इस तरफ के दो दो फ्रेम हो गए। अब जो यहाँ से चलेगी कहानी, अब वो एक एक फ्रेम की चलेगी। ताकि एक सेम फील आए, टर्बुलेंस डेवलप हो, एक सेम सिमेट्री डेवलप हो, ताकि उसमें फोर्स की फील आए। और अभी 64 हमने कहा, -1, 65 हमने कहा, 1, 66, -0.8, 67, 0.5, थोड़ा सा फील देंगे हम, 0.3, 0.2, 0.1, ये माइनस में हो गया। अभी हाँ देख लेते हैं, तो हाँ 0.2, फिर माइनस, फिर 0। अब हम इनको देखते हैं कि ये क्या बिहेव कर रहे हैं, इनका रिएक्शन क्या है। और ये लास्ट हमारा 71 फ्रेम है, तो अब हम यहाँ पे 71 कर लेते हैं। और हमने कहा अनगोस्ट ऑल, इनकी गोस्टिंग खत्म हो गई, और प्ले करते हैं। ओके, ये इतना सा प्ले क्यों हो रहा है भाई? एग्जैक्टली, तो अब इनको बड़ा करते हैं और स्टार्ट से प्ले करते हैं। अभी देख रहे हो एक रिजिड फील आ रहा है इसमें, सॉलिड फील आ रहा है ना। नॉट इवन वी आर इन नीड ऑफ, यस। अब इनको लेना है और इनको भी तो देखना है, अभी तक हमने इनकी बात ही नहीं की। अभी आपको ऐसे इनको बड़ा कर लेते हैं, इनको साइड पे कर लेते हैं और इन सभी को लेते हैं मोस्ट पॉसिबल, सभी को लिया। हाँ वैसे चाहो सभी को ले लो आप, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, सबको ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, लॉक टेंजेंट्स, नहीं लॉक तो नहीं करने हमें। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रेक टेंजेंट्स, ब्रेक कर दिया हमने। अभी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक स्प्लाइन ऐसे हो जाएगा, उसके आगे क्लैम्प्ड क्या फील देगा, प्ले करके देखते हैं। देख रहे मुझे, देखो यहाँ से देखो, ऑल्ट थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा सा स्मूथ हो गया। हमारी we need to walk के right here. हमारी जो पल्स सोर्स होती है उससे ये जाता है हमेशा तेज, फर्स्ट टाइम हाँ हमेशा। और हमें इन पे भी काम करना होगा, हमें इनको बैलेंस करना होगा, इनको ज़्यादा बड़ा करना होगा, छोटा करना होगा, जिसे हम देखेंगे कमिंग सेशंस में। थोड़ा सा मैं इनको मूव कर रहा हूँ, देखो स्नैप कर रहे हैं फ्रेम टू फ्रेम, तो मैं यहाँ से स्नैप ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे रख सकूँ। और इनको ये जो आखिर में थोड़ा सा रिजिड फील दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पे फ्रेम्स थोड़े से एक्सटेंड कराने होंगे। मैं सिर्फ मिडल माउस और पहले शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, फिर मिडल माउस, ताकि ये मूव ना हो जाए कहीं। सिर्फ शिफ्ट प्रेस करो और क्लिक करो, देख रहे हो एरो आ गया और पकड़ के जो हम ऊपर कर रहे हैं ग्राफ एडिटर से प्रोफेशनली, हम यहाँ से कर रहे हैं। और अभी
ऑफ है ये एनिमेशन, अभी हमने कोई खास काम नहीं किया इन पे, बट समहाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोडक्ट. लो ये रे और इसको जरा एनिमेट करो, अब फिर हम देखते हैं हमें क्या.